सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पिगमेंटेशन या फिर झाइयां, इसे हम किस तरीके से जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो पिगमेंटेशन दो प्रकार के होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन एंड हाइपो पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन जो है हर दूसरे व्यक्ति को आपको देखने को मिल जाता है, ये खासकर महिलाओं में होता है, पुरुषों में बहुत कम होता है। और ये महिलाओं में जो एज होती है 25 से 30 साल के बाद की एज में होता है ये पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना, और हाँ पहली बार अगर आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए जान लेते हैं कि पिगमेंटेशन होता क्यों है और किस तरीके से हमारे चेहरे पे आता है। अगर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपो पिगमेंटेशन, झाइयां, काले दाग, धब्बे, निशान या फिर कटने छीलने के बाद जो दाग हो जाते हैं वो, या फिर पिंपल्स के जाने के बाद जो दाग रह जाते हैं वो, इन तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है अगर आपके चेहरे पर, तो वो बिल्कुल भी जड़ से खत्म हो जाएगी अगर आप मेरा वीडियो फुल वॉच कर लेते हो। तो ये वीडियो अगर आप फुल अच्छे से वॉच कर लेते हो एंड मेरी बातों को आप फॉलो कर लेते हो ना, तो ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। हमारे स्किन में होता है मेलानिन, और मेलानिन हमारे स्किन के ऊपरी परत में होता है जो कि एक सुरक्षा कवच की तरह वर्क करता है। जब हम बाहर जाते हैं, सूर्य के संपर्क में आते हैं, तो सूर्य से आ रही अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, वो एक प्रोटेक्ट गार्ड की तरह वर्क करता है। और जब मेलानिन की मात्रा ही बढ़ जाती है तो हमारी स्किन गहरे रंग की हो जाती है या फिर वो धब्बेदार हो जाती है, जिसे हम झाइयां या फिर पिगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। अधिक समय तक धूप में रहने से सूर्य की आ रही अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी स्किन को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से भी ये झाइयां की प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप धूप में जाते हो, सूर्य के संपर्क में जाते हो, तो सनस्क्रीन जरूर लगाया करो। सनस्क्रीन लगाओगे तो बहुत सारी चीजों से आपको फायदा होगा, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम से दूर रहोगे, तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल आप जरूर करें। साथ ही कई लोगों को हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, कई लोग गर्म निरोधक गोलियां खाती हैं कुछ महिलाएं, तो उनकी वजह से भी ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम उन्हें आ जाती है। या फिर एज जब बढ़ने लगती है, जब एज आपका ज्यादा होने लग जाता है, 50+ 40+ जब आप होने लग जाते हो, तो भी आपको ये झाइयों की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। एंड अगर आप स्ट्रेस भरी जिंदगी जी रहे हो तो हो सकता है कि आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाए। एंड अगर आप सही से डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। 8 से 10 ग्लास पानी कम से कम जरूर पियो दिन भर में। अगर आपको जंक फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ थोड़ा सा कम कर दो। एंड अगर आप हरी सब्जियां नहीं खाते हो तो प्लीज़ थोड़ी सी हरी सब्जियां भी खा लिया करो। एंड कुछ फल वगैरह ऐसे होते हैं ना जो हमें काफ़ी समय तक जवान बनाए रखते हैं, जैसे कि संतरे, नारंगी, नींबू, इन सब में होता है साइट्रिक एसिड, जो हमारे स्किन को ग्लो लाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो अगर अभी तक आपने ये सारी चीज़ें नहीं की है तो प्लीज़ करना शुरू कर दो। हो सके तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या योगा भी कर लिया करो। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो सिर्फ पिगमेंटेशन ही नहीं, कई सारी प्रॉब्लम्स को आप खुद से दूर कर देते हो। तो प्लीज़ हेल्दी, हो सके तो हेल्दी लाइफ जियो। एंड गाइस, कुछ DIY मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसे जरूर फॉलो करना, आपको ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं टिप्स नंबर 1 से। सो गाइज, मैंने आपको यहाँ पे 4 DIY बताया हुआ है, जो आपको पसंद आए उसे आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप चारों ही यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक प्लेट लिया है, उसमें मैं बना रही हूँ DIY। तो सबसे पहले लिया मैंने 1 चम्मच बेसन एंड 2 चम्मच दही, और इसके साथ ही हम लेने वाले हैं टमाटर का जूस। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको बेसन सूट नहीं करता, आप बेसन नहीं लेना चाहते, तो आप इसकी जगह ओटमील भी ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी, और इसे मुझे अप्लाई करना है अपने फेस पे। फेस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम जहाँ जहाँ पे आपको, वहाँ पे इसे अप्लाई करना है, या फिर आपके बॉडी पे भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसे अप्लाई करने का तरीका यही है कि आपको अपने साफ धुले हुए चेहरे पर अप्लाई करना है, एंड जिस जगह पे आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वहाँ पे आप कुछ सेकंड्स के लिए मसाज करो, एंड देन आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसे आपको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है, एंड यूज़ करने के लिए आप बस इसे अप्लाई करो एंड 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पे छोड़ दो, उसके बाद आप धो लो। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आलू। आलू का जो रस होता है हमारे फेस के किसी तरीके के दाग धब्बे पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप इसका रस निकाल कर लगाना चाहो तो ऐसे आप लगा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसे कट करके अपने पिगमेंटेड एरिया पे लगा सकते हो। 10 मिनट के लिए इसे चेहरे पे लगा रहने दो, उसके बाद धो लो। इसे आप चाहो तो डेली भी कर सकते हो। यहाँ पे लिया है मैंने रेड ऑनियन। प्याज लाल ही होना चाहिए, इसका खास ध्यान रखें। इसका आप जूस निकाल लो, या फिर इसे कट करके आप डायरेक्ट
अपने पिगमेंटेड एरिया पे लगा लो। वैसे तो इसका झांस लोगों को बर्दाश्त नहीं होता रेड अनियन का, एंड इसकी महक भी लोगों को पसंद नहीं है। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो आप लगाओ, वरना आप स्किप भी कर सकते हो, दूसरा DIY ट्राई कर लो। एलोवेरा हमारे फेस के पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके फेस पे झाइयाँ, दाग धब्बे या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम आपके फेस पे आती जा रही है ना, तो उसके लिए अगर आप एलोवेरा यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप चाहो तो इसे आप डेली भी यूज़ कर सकते हो या फिर एक दिन छोड़ करके भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको नेचुरल वाला मिल जाता है, डायरेक्ट पौधे वाला अप्लाई करते हो, तो उसका रिजल्ट आपको और भी अच्छा मिलेगा। 5 से 7 मिनट में आप इसे धो सकते हो। सो गाइज, आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मेरी DIY और मेरी बातों को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो एक बार फीडबैक ज़रूर शेयर कर देना। एंड अगर मेरे लिए हो कोई सजेशन या हो किसी वीडियो की रिक्वेस्ट तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय।